हेलो गाइस, आपका स्वागत है और एक नए एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है केपॉप न्यूज। तो आज हम कवर करेंगे पिछले हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज। पता है मैंने दो एक हफ्ते से वीडियो डाले थे क्योंकि न्यूज ही नहीं थी कोई अच्छी, तो आज न्यूज है अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस प्लीज, वीडियो को आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगे उस पर लाइक करें, और मैं वीडियो की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुआ भी नीचे कमेंट बताना, प्लीज लाइक और शेयर करें गाइस। तो चलिए पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइस पहली खबर आ रही है स्ट्रे किड्स के हैंजून और एस्पा के करीना की तरफ से। तो ऐसे रूमर आ रहे हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले स्ट्रे किड्स के हैंजून की एक पोस्ट वायरल हो रही थी। उस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक क्लोजअप स्क्रीनशॉट में देखा जा रहा है कि उसमें तो हैंजून के फोन में करीना का एक फोटो दिख रहा है, पर वो बहुत ब्लर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस फोटो के साथ कंपेयर कर रहे थे और उन्होंने मर्ज की थी फोटो और बोल रहे थे कि यही वो फोटो है। तो उसके बाद रूमर और स्ट्रांग होने लगा और पूरे इंटरनेट में डेटिंग रूमर पसर रहा था। और उसके बाद कुछ फैन बोल रहे थे वो हैंजून के डॉग की फोटो, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद फिर लोग ऐसा भी कहने लगे कि उनके कोरिया के बबल अकाउंट का आइकन भी सेम है और दोनों एक ही गाना रिकमेंड कर रहे हैं सबको, और इससे और उमर और स्ट्रांग हो गया। ऐसे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे दोनों ने एक ही गाना शेयर किया है और उनके बबल आइकॉन भी सेम ही है अकाउंट के। तो आपको क्या लगता है नीचे जरूर बताएं। तो अगली न्यूज में एक रूमर ही है। तो कुछ दिन पहले आइडल के ग्रुप की सोहान अपने लाइव कर रही थी और उनके फोन के बैक पे कवर पे पी नेशन का स्टिकर दिख रहा था, और सभी को लग रहा है कि आइडल की सोहन अब क्यूब एंटरटेनमेंट को छोड़ के पी नेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो आपको बता दूं कि आइडल सोहन का कॉन्ट्रैक्ट अभी अगले साल खत्म होगा। तो ये जस्ट रूमर है, और क्या पता उसके बाद वो पी नेशन को ज्वाइन करे। तो आपका इसके बारे में क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली न्यूज आ रही है TST की सोबिन की तरफ से। तो कुछ दिन पहले TST ग्रुप अंडरग्राउंड पार्किंग में से जा रहे थे और उधर बहुत सारे कैमरामैन आ गए थे, तो उधर बहुत सारे भीड़ जमा हो गई थी। और अंडरग्राउंड पार्किंग में ऐसा रहता कि कोई किसी को परमिशन नहीं रहती कैमरामैन को, और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन सा ग्रुप आ रहा है जा रहा है। पर आपको पता होगा सारंग फैन और पापराजी वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेते हो, और उनके बीच आ गए और बहुत सारी गलती हो गई थी उधर। उसकी वजह से TST ग्रुप को बहुत परेशानी हुई, और उस टाइम अंडरग्राउंड पार्किंग में उनके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं थे, तो इसकी वजह से बहुत भीड़ जमा हो गई थी और उस भीड़ में से वो जा नहीं सकते थे। तो उस गड़बड़ में TST ग्रुप को अपने वैन में जाना था और जा रहे थे, तो गलती से TST के मैनेजर ने सोबिन को बहुत जोर से धक्का दिया, और वो धक्का तो सोबिन का सर कार के ऊपर टकरा गया। और उसके बाद TST के फैन बहुत ही एंगर हो गए, और उन्होंने हाइप एंटरटेनमेंट से कहा कि और ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए आइडल को, ऐसे कैसे। और बहुत तो एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी पिछले हफ्ते। तो अगली न्यूज पे चलते। तो अगली न्यूज आ रही है ब्लैक पिंक के लिसा की तरफ से। आपको सभी को बताऊंगा अब कितना बज चल रहा है केपॉप के इंडस्ट्री में, क्योंकि लिसा का एक सोलो सॉन्ग आने आ रहा है। तो अभी पता चले कि उनके सोलो एल्बम में 4 गाने होंगे, और उस 4 गाने के लिए आप एक्साइटेड है क्या नहीं नीचे जरूर कमेंट में बताएं। तो अगली न्यूज आ रही है मामामो के फैन के लिए, क्योंकि आप सभी को बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 सितंबर को मामामो का एक नया सॉन्ग आने वाला है। तो आप सब एक्साइटेड हो क्या नहीं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली न्यूज आ रही है जेसी के फैन के लिए। तो जेसी एक शो में गई थी, द सिक्स सेन का एक एपिसोड में जेसी फीचर हुई थी, और उस एपिसोड में जेसी बहुत ही इमोशनल हो गई थी। तो क्यों इमोशनल हो गई तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उस एपिसोड के एक पार्ट में जेसी एक कलर साइकेट्रिस्ट के पास गई थी, तो उस साइकेट्रिस्ट ने जेसी को कहा कि इनमें से दो कलर चूज किए आपके लिए। तो जेसी ने दो कलर चूज किए, उसमें से एक कलर था ऑरेंज और एक था कर्ल। तो देख ही सकते हो दो कलर स्क्रीन पे। तो उस कलर साइकोलॉजिस्ट ने ऑरेंज के बारे में कहा कि वो जेसी के, उसने कहा कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटीरियर ऑफ जेसी और उनके करियर के बारे में। ऑल कलर के बारे में जिसको बताया गया कि तो उस कलर के बारे में उनको यह बताया गया कि वो रिप्रेजेंट करता है कि उनका न्यूट्रल नेचर और फेमिनिन स्टाइल के बारे में। और उन्होंने और क्या कहा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि द कलर कोल सिंबलाइज द मदरहुड, द फैक्ट दैट जेसी चूज दिस कलर मे मीन दैट शी वांट टू गेट मैरिड एंड बिकम मदर। और ये बात सुनने के बाद जेसी बहुत इमोशनल हो गए, और उसके बाद जेसी ने क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, I made money doing music and gained popularity, but it does not matter. I wasn't happy. What I want and dream of is my family. तो उनका कहना था कि उनको भी एक फैमिली चाहिए। मनी और पैसा उन्होंने बहुत कमा लिया, पर उनके पास फैमिली नहीं, इसलिए वो दुखी रहते। और उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आए।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था किपॉक न्यूज के लिए। गाइस आप बताएं मेरे को आप मैं कैसे इम्प्रूव करूँ वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं वो भी नीचे कमेंट में बताएं, क्योंकि उससे मैं वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता हूँ और फीडबैक भी देते जाए। ये आपका ही चैनल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लाइक करके जाना प्लीज़ गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीक। तो टेक केयर, बाय बाय।